शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज जो हमारे शिक्षक वो सुबह आके खुले और उनके पोटे इतने बड़े हैं, खा खा के खा खा के अपने पोटे फुल कर दिए। और जो ये कह जाने इनके अम्मी जो ट्रे है ये थोड़ी सी बाहर निकाल देते हैं ताकि जो चूजे होते हैं ना, अगर उन्होंने दाना वगैरह खाना होते हैं ट्रे, वैसे भी इसमें थोड़ा बहुत दाना होता है तो वो खा लेते हैं। दाना नहीं छिलके खा लेते हैं, दाना भी थोड़ा बहुत होता है ना उधर। और ये चार बच्चे ये भी इतने बड़े बड़े हो गए, एक बच्चा तो फुल ही बड़ा हो गया, बकाया के थोड़े बहुत बाल है। तो हाँ भाई को तेल के अंदर में से बच्चे ही नहीं निकल रहे हैं, मुझे तो लगता है ये भी खराब है। पता नहीं ये भी खराब है, ये भी खराब है। कॉकटेल के अंडों में से बच्चे नहीं निकल रहे, बच्चे नहीं निकल रहे। आज हमारी मुर्गियों को भूख बड़ी लगी है और आज इन्होंने तीन तीन अंडे दिए, वो भी केज के अंदर। मैं खाऊंगा वो पड़े हैं तो पीछे देखूं मैं, कबूतर भी नहीं अभी हमने खोले गए। हम कबूतर खोल देते क्योंकि जितना उन्होंने उड़ा होगा तब तक उड़ लेंगे, फिर मगरिब टाइम को देने चाहिए। दोस्तों अभी मैं कबूतर को दाना लेने जा रहा हूँ, भैया आप दाना निकल दे कबूतर का, मुर्गियों का सारा का अंदर। मुर्गी मारेगी ऐसे करेंगे और क्या। दोस्तों तो अभी थोड़ा सा भाई दानी मुझे, मैं कहूँ पता नहीं क्या हो गया, मुर्गिया बैर मुर्गिया हो गई है, कबूतर तो आए ना मुर्गी एकदम से, ये मुझे लगा कि ये जो है नहीं मारे ये मुर्गिया, ये बाहर निकल आई है मुर्गियों का। मैं करना कि बस मेरे कुछ चीज चली ये मुझे काट ने आने देखे कहा भाई, ये तो छोपर पे चुनके मार रहे हैं। ओए छोपर पे नहीं मेरे हाथ से खा लो, शाबाश। ये है सबसे बड़ा नजर पकड़ता हूं सीधा, मोटे वाले को पकड़ता हूं, मोटे वाले मोटू 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 इधर आ मोटू आ भाई ने मिशन ने सब पकड़ा था, मोटू आ गया मोटू मोटू। ओए मोटू मोटा मोटा सबसे जो मोटा है ना वो ये है। दोस्तों मैं कबूतर को दाना डाल देता हूँ, ये लोग आ गए दोस्तों, इनका पेट भरा होता है लेकिन इनको आदत होती है दाना खाने की। ऐसे ऐसे तुम एक एक दाना चुन चुन के खाते हैं, साफ से करनी साफ वाला खाते हैं और जो गंदा होता है उसको ऐसे फेंक देते हैं। इनको जितना खाना देंगे उतना ही खाई जाएंगे। हाँ जी लेकिन इनकी ओवर फीड भी नहीं होनी चाहिए वरना ये मर भी सकते हैं। तो हाँ भाई दाना दाने हेलो फीमेल ने तोड़िया नहीं है अंडे देने ना उसे, हाँ फीमेल ने तोड़िया नहीं क्योंकि वो अंडे नहीं दे रही है। तो आप ये अप्रोच यही करते हैं, फीमेल ने अंडा देना फीमेल ने अंडा देना फीमेल ने अंडा देना, वो देती अभी इतने बड़े नहीं है वो, इसको आप रख कर जल्दी से मुर्गियों को खोल देते हैं, इनको बंद करते हैं। भाई मैं तुम्हारे चूजों को कुछ भी नहीं दूंगा, इसको चूजे 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 ये भी पकड़े ये भी पकड़े। तो आप आएंगे पकड़ लिए दोस्तों, डायरेक्ट मैंने चार चूजों का शिकार कर लिया, अब मैं इन चारों को अंदर डालता हूँ। हाँ ये दो को पकड़ते दो, तो आप ही वहां से पकड़े पकड़े चूजे, दो चूजे नहीं पकड़े जा रहे ले बशीर भाई ने कमी दोस्तों इनको खोल देती है तो आसानी से बाहर आ जाए, लेकिन जब मुश्किल होता है पकड़ना चूजों को वो भी जब चूजों को पकड़ते हैं वो इतना मुश्किल होता है, सबसे ज्यादा मुश्किल पता जाता है जो आखिरी चूजा रहा है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। ले जो मैंने पकड़े थे वो भी बाहर निकले, अंदर कितने हैं दो तीन ही हैं। तो भाई दो उधर हैं, दो उधर हैं, दो उधर हैं, उधर हैं, चौथा भी आ रहा है। यस दो दो शिकार ये भी पकड़ लिए, अंदर चार
मोटू पकड़ा गया था, मोटू मैंने पकड़ लिया, लेकिन मोटू फिर से भाग गया। पतलू आ गया, पतलू बाबा को भी मैंने पकड़ लिया। मैंने आपको कहा था ना, जो आखिरी चिक्सा था वो नीचे चल जाता है। कमी है कबूतर है। अब सबसे मुश्किल है इसको निकालेगा दोस्तों, आखिरी जिसको हम बाद में डालेंगे, क्योंकि इसने तो हाथ में आना नहीं, तब तो मरे के जाने हो जाएंगे। इसको मैं पकड़ के तहा भाई स्टिक है ना, तहा भाई की स्टिक में जादू बनता मनता छुओ मनता पूरा सामने आ जाए, मेरे से नहीं आया तहा भाई करने। ये मैं अंतर मन बच्चे भाई को तो देखे दादा, ये मैं खोल देता हूँ। 1 2 3 आजो 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 दीदी, नहीं मैं खाऊंगा, अंडे अंडे अंडे। 1 2 दोस्तों 3 अंडे आए हैं आज फिर से। मुझे दे, मैं रख रही हूं। एक अंडा आप रखिए, एक अंडा आप रखिए, एक अंडा मैं समझा अंडा गिर गया। दोस्तों अब तो इनके मुर्गियों की ना डेली रूटीन स्टार्ट हो गई है, रोजाना अंडे देती है। इस वजह से अगर कोई मुर्गी रुक भी हो जाए उसको भी अंडे देता है रोजाना, हम अंडे खा लेते हैं क्योंकि अभी रोजाना अंडे देती है। ओ ता भाई आखिरी चांस है, ता भाई चांस होता है, चांस चांस होता है। ये देखे मुर्गिया पानी पीने लग गई हैं, प्यास इतनी लग रही है इनको, गर्मी आ रही है भाई। और हम बस बाहर जाते हैं तो पसीने आ जाना शुरू हो जाते हैं। हेलो पानी चेंज करने इनका, सारों का पानी तो इनका भी, बस बस इसका चेंज करना कॉकटेल का और मिट्टू का, मतलब कि सारों का ही होगा। हाँ जी, क्या नंबर खरीदना करने की जरूरत है दोस्तों? ये पता नहीं इसकी तुमको क्या हुआ है, मुझे तो लग रहा है शायद ये बॉक्स के अंदर गया है, इस वजह से बॉक्स के अंदर ही रहा है। मिठू क्या हुआ है मिठू? मुर्गी यहाँ से निकली दोस्तों। मिठू क्या हुआ है? दोस्तों देख रही तुम कैसी टेढ़ी मेढ़ी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट से पहले आप देखें कैसी टेढ़ी है, कैसी कुछ है। मिठू बताओ क्या हुआ है? दोस्तों अभी बॉक्स खोलते, क्या पता हमें खुशखबरी मिल जाए, क्या पता ना। खाली बॉक्स है लेकिन खुशखबरी है कि ये देखें, देखिए अपने पर डाल लिए, सारे पर डाल लिए, खुशखबरी है मतलब के देखिए सारे पर पर है। खुशखबरी है कि ना खुशखबरी है, खुशखबरी आने वाली है ज्यादा खुशखबरी। और रख देते हैं, 3 खुशखबरियाँ होंगी, 1 इनका रेस्ट बनाना, 1 होगी दूसरे इनके अंडे आना, 3 इनके बच्चे आना कॉकटेल, और जो हमारे बच्ची से उनको भी मैंने कहा। भाई बच्चा आ गया, पहले मैं मिठू को डाल देता हूँ, कर लेता हूँ। मेरे से डर गई है, मेरी आने के ऊपर सारा पानी फेंक रही है। दोस्तों अभी मैं ये पानी डाल देता हूँ, मिठू गुस्सा हो रहा है। मिठू और मिठू मिठू और अभी अभी इनका भी डाल देता हूँ। नीचे चूजा गया है, उसमें मैं पानी भी डाल दूँ, पानी डाल दिया इनका भी निकाल के। मुर्गिया इतना खाने से ज्यादा गिरा रहे हैं, ये बात है कि नहीं? वो देख, ये देखें डाइगर को तो देखे। अब बैठ जाएगा, वाह 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 स्पाइडरमैन, वाह वाह स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन ऐसे आ गया मेरे अम्मे, स्पाइडरमैन का बेबी। स्पाइडरमैन तो वो है ना, फिर स्पाइडरमैन 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 खुद ही कहा था ना स्पाइडरमैन। क्या पता है मुर्गे से लड़ाई कर, मुर्गे ने इसको एक चूज पे पाप उछाल देगा, बहुत ऊपर बन जाएगा सात आसमान पर। नहीं भाई मुर्गा डरता है,
क्वेश्चन हम कर ले यार, तू चल भरो को दौड़ता है। इसने इतनी चीखे मारी, पता नहीं क्या सोचते हैं। ये देखे इसके बाल तो देखे, जब तो कुछ ये देखे। पता नहीं लड़का है क्या लड़की, क्योंकि बाल इसके इतने लंबे। वो कुछ लड़कों के भी बाल लंबे होते हैं ना, जैसे आप लंबे बाल मैंने कभी देखा ही नहीं। और मेरे लंबे बाल है आपके सामने आने गए ना, बस आज मेरी टिंडी मेरे लंबे बाल है। तो दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आयो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।